हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शालिनी। मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम गुजिया की रेसिपी लेके आए हैं, क्योंकि होली आ रही है तो हम गुजिया बनाकर फटाफट कैसे तैयार कर सकते हैं। ये मैंने बिना सांचे की गुजिया बनाकर तैयार करी हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाई है मैंने इन गुजियों में। कैसे बनाई है वो आप वीडियो देखें तभी आपको पता चलेगी। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा ले ली है और मैंने देसी घी गरम करके लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। मैंने 3 चम्मच देसी घी डाला है और इसे मोम में अच्छी तरह मिला लेंगे। इस आटे में मिल जाए अब इस तरह मैं मिला लूँगी। अगर घी हम ऐसे ही डालते तो पूरे मैदा में नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने गरम करके डाला। ये मैदा में खूब अच्छी तरह मिल गया है। अब यहाँ मैंने आधी कटोरी दूध ले लिया है। अब पहले हम इसे दूध में गूंद लेंगे। दूध से गूंदने से एक तो हमारी गुजियाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगी, तो इसलिए मैंने दूध में गूंद कर तैयार करी हैं। अब इसमें हल्का सा मैं पानी डालूंगी, 1 चम्मच के करीब मैं पानी डालूंगी। इससे ही हमारी मैदा गूंद कर तैयार हो जाएगी। नहीं हमें ज़्यादा टाइट गूंदनी है ना ज़्यादा सॉफ्ट। मैंने आधी कटोरी से थोड़ा कम दूध इस्तेमाल करा है। आप दूध की जगह पानी से भी मैदा गूंद सकते हैं, पर जो टेस्ट दूध से मैदा गूंदने से आता है वो पानी से नहीं आता है, इसलिए मैंने पानी से गूंदी है। ये इतनी सॉफ्ट गुजिया बनकर तैयार होगी। आप होंठों से भी इन गुजियों को खा सकते हो। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने मावा ले लिया है। मावा मैंने 1 कटोरी लिया है। ये मैंने घर पर ही बनाया है मावा, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। अब मैंने 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। चीनी भी मैंने घर पे ही पीसी है। अब मैंने 1 चम्मच बादाम लिए हैं, 1 चम्मच चिरौंजी ली है, 1 चम्मच मैंने पिस्ता लिया है और 1 चम्मच ही मैंने किशमिश ली है और मैंने इलायची ली है। मैंने खड़े दाने लिए, आप पाउडर भी ले सकते हैं। और मैंने 2 चम्मच इसमें नारियल का बुरादा लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। जो मैंने नारियल का बुरादा लिया है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी गुजियों में। अब इसी तरह मैं मिलाकर तैयार कर लूँगी। मावा बनकर तैयार है। मैंने सब चीज़ मिला ली है, बहुत अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो गई है ये गुजिया बनने के लिए। अब हम मैदा देख लेते हैं अपनी। मैदा भी हमारी खूब अच्छी तरह सेट हो गई है। अब इसे हल्का सा हम गूंद लेंगे, इससे हमारी मैदा एकदम चिकनी हो जाएगी। अब हम इसकी लोइयां काट लेंगे। लोइयां आप अपने हिसाब से काट सकती हैं, जैसी आपको छोटी बड़ी पूड़ी बनानी है और गुजिया बनानी है। इस तरह की गुजियां आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास साँचा नहीं है और कोई भी कटर नहीं है तो आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह की गुजियां मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं, ये मेरी मम्मी बनाती हैं, तो आज मैंने वही रेसिपी बनाकर तैयार करी है। अब हम इसे बेल लेंगे। पूड़ी को मैं बहुत ही पतला बेलकर तैयार करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ी गुजिया की पूड़ी पतली ही बेली जाती है, मोटी गुजिया की पूड़ी नहीं बेली जाती है। हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता हो, तो मैंने बहुत पतली पूड़ी बेलकर तैयार करी। अब इस तरह की मैंने ये पूड़ी झाल छानने वाली छलनी ले लिया, इस पर मैंने पूड़ी डाल दी है और मैंने
हल्का हल्का हाथ से कुछ कर दिया है। इससे हमारी डिजाइन भी निकल कर आ गई है और ये गुजिया बनने के लिए तैयार है। अब हम इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई है वो इसमें भर लेंगे। ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आप कम ज़्यादा भरना पसंद करते हैं उतना ही भर लें। मैंने 1.5 चम्मच भरकर तैयार करी है। अब इस पे मैंने हल्का सा पानी लगा लिया। अब इस तरह हम इसको मोड़ देंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, पूरी हमारी जो हमने मावा बनाकर तैयार करा है उस पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपकी गुजिया खुल भी सकती है। अब इस तरह मैं हाथ से दबा दूंगी चारों तरफ। अभी ये देखने में ऐसी लग रही है, जब डिजाइन बनेगी तो बहुत सुंदर बनकर तैयार होगी। अब इस तरह की मैंने कांटे वाली चम्मच ले ली है, इस तरह मैं हल्का हल्का इस पर डिजाइन दे दूंगी। ये डिजाइन बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे आगे की, अब चम्मच को हम थोड़ा मोड़ लेंगे। अब हम पीछे की तरफ से इस चम्मच को ऐसे डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। इससे बहुत सुंदर हमारी गुजिया देखने में तैयार होगी। लोग आपसे पूछेंगे आपने ये गुजिया कैसे बनाई है और इस तरह का साँचा आप कहाँ से लेके आए। देखो इतनी सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हुई है, वाकई में बहुत देखने में भी सुंदर लग रही है। अब इस तरह की मैंने सारी गुजियां तैयार कर ली हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी और खाने में उससे भी टेस्टी लगेगी। इस तरह अब हम इसे तलना शुरू करेंगे। गुजिया मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली हैं और इधर मैंने ऑयल भी गरम कर दिया है। ऑयल हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा ही। लोग गैस पर ही हम इन गुजियों को सेकेंगे। अगर आप मीडियम गैस पर सेकोगे तो ये जल जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत पतली पूड़ी बेल ली है इसलिए हमें लो गैस पर ही सेकनी है। अगर पूड़ी आप मोटी बेल रहे हो तो आप इन्हें मीडियम गैस पर सेक सकती हो। मैंने गिरते ही ये पलट दी है, फिर भी इस पर देखो दाग आ गया है। आप पूड़ी को जितना पतला बेलोगे आपकी गुजिया उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब गुजिया मैंने निकाल ली हैं, अब इसी तरह मैं सारी गुजियों को सेक कर तैयार कर लूँगी। ये मेरी सारी गुजियाँ सेक कर तैयार हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो चलते हैं, कल हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।